न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का सोमवार तड़के 4 बजे यहां निधन हो गया। वे 49 साल के थे। कुछ महीनों से फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। अनंत कुमार के निधन के समाचार से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार संगठनात्मक तथा प्रशासनिक दक्षता के साथ भाजपा में महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित थे। अनंत कुमार मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में काफी समय सक्रिय रहे। इससे उनका मध्य प्रदेश के साथ एक गहरा रिश्ता जुड़ गया था। अनंत कुमार अक्टूबर में न्यूयॉर्क से इलाज कराकर लौटे थे। दोबारा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेंगलुरु से एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अनंत जी नहीं रहे, वो कुशल संगठक थे, वो लोकप्रिय नेता थे, कर्नाटक की जनता के दिलों में बसते थे और वो सरकार चलाने के लिए जिन प्रशासनिक गुणों का होना चाहिए वो कुशल प्रशासक भी थे। मध्य प्रदेश से उनका गहरा रिश्ता था। वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे। 2008 और 2013 का चुनाव उनके कुशल मार्गदर्शन में हमने लड़ा और विजय प्राप्त की। वो मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे और भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व उनको सौंपा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सफलता के द्वार खोलने में और सरकार बनाने में पहली बार अनंत जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वो कर्नाटक के लोकप्रिय जन नेता थे, लेकिन देश भर में जहां भी उन्हें भेजा गया भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कुशलता से आगे बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, ऋणी हैं कि उनका स्नेह हमको मिला। भारत सरकार के मंत्री के नाते जिस सक्षमता से काम कर रहे थे, यूरिया का दुरुपयोग ना हो पाए इसलिए नीम कोटेड यूरिया बने, ये कॉन्सेप्ट उनका था। खाद की कोई दिक्कत उनके फर्टिलाइजर मंत्री रहते हुए पूरे देश में कभी नहीं आई, नहीं तो यूपीए की सरकार में हमेशा खाद नहीं है, उर्वरकों का अभाव है, यही सुनते थे और उनका उत्पादन देश में बढ़े उसके लिए वो विशेष अभियान चला रहे थे। अभी 4 महीने पहले ही पूरी तरह से स्वस्थ थे। मैं उनसे मिला था और उनको आग्रह किया था कि आप मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय सिद्ध दिलाने आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे चुनाव में जरूर आएंगे। पहले किया हुआ हर वादा अनंत जी ने निभाया, लेकिन इस बार वो वादा तोड़ गए। अचानक बहुत जल्दी, भरोसा ही नहीं होता, वो हमें छोड़ के चले गए। अनंत जी का अभाव, उनके कारण जो स्थान रिक्त हुआ भारतीय राजनीति में, कर्नाटक के सार्वजनिक जीवन में और मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में जो रिक्तता आई है वो भरी नहीं जा सकेगी। हर दिल अजीज नेता थे वो, सबको स्नेह और प्रेम करने वाले नेता थे वो। अचानक चले गए, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऐसे यशस्वी नेता का जो विछोह हमें हुआ अचानक, उनकी दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। परिवार के कष्ट का हम अंदाज लगा सकते हैं। आदरणीय भाभी जी सहित परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनके जो समर्थक है, अनुयायी है, वो भी इस दुख को सहन कर सके इसकी क्षमता उनको दे। और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अनंत जी हो सके तो फिर लौट के आना। ओम शांति।
अनंत कुमार वर्ष 1986 से 2014 के बीच बेंगलुरु दक्षिण सीट से 6 बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे सबसे युवा मंत्री थे। प्रदेश के अनेक भाजपा नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज भोपाल। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत, आप बने रहें न्यूज आज के साथ।